हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आज आपको नेट पेपर वन के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर सेकेंड लेक्चर जो है प्रोवाइड करूँगी। जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने एजुकेशन का मीनिंग देखा था, एजुकेशन, लर्निंग एंड टीचिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। उसी तरह हमने एजुकेशन की वेरियस फिलॉसफी को स्टडी किया था और इसके अंदर आज हम देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, टीचिंग मॉडल्स क्या होते हैं और उसी तरह क्या है कि टीचिंग मेथडियोलॉजी क्या होती है। और इसके जो रिटन नोट्स हैं वो मैंने अपने ब्लॉग में डाल दिए हैं, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ब्लॉग मेरा जो है www.garg.shashi.com जो कि स्मॉल लेटर्स के अंदर है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड करवाने से पहले, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जब एप्टीट्यूड बोला जाता है तो उनको लगता है कि ये एटीट्यूड होता है। देखो, एप्टीट्यूड का अर्थ होता है कि हमें, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड का अर्थ है कि हमारे में टीचिंग करने की क्षमता है, एबिलिटी है। तो एप्टीट्यूड जो है डैट इज़ दी जो हमें स्किल सेट के बारे में बताता है कि हमारे पास वो एफिशिएंसी लेवल है कि नहीं है जिस टीचिंग करने के लिए। एप्टीट्यूड इज़ दी कंपोनेंट ऑफ द कॉम्पिटेंस टू डू सर्टन काइंड ऑफ वर्क एट सर्टन लेवल। एप्टीट्यूड जो है डैट इज़ दी एबिलिटी और टैलेंट। एप्टीट्यूड फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। एटीट्यूड जो होता है पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग होती है, ये पर्सन के प्रति भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट के बारे में भी हो सकती है। देखो, जो एटीट्यूड होता है कि कोई चीज़ अच्छी है या नहीं है, एप्टीट्यूड जो है कॉम्पिटेंसी के साथ है, एबिलिटी के साथ है, स्किल सेट के साथ है। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। ये दो शब्दों से बना हुआ है, टीचिंग प्लस एप्टीट्यूड। तो सबसे पहले हम टीचिंग का अर्थ देखते हैं। गेज ने टीचिंग को डिफाइन किया है, टीचिंग इज़ द पर्सनल रिलेशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट एंड टॉट कॉजिंग बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे टीचर जो है अपने स्टूडेंट का जो है उसको टीच करता है और उसका बिहेवियर को मॉडिफाई करता है। क्लास के अंदर ऑल दोज एक्टिविटी डैट मे रिजल्ट इन मॉडिफाइंग द बिहेवियर ऑफ द लर्नर इज नोन एज ए टीचिंग। जिसके द्वारा जो सीखने वाला होता है उसके बिहेवियर को जब हम मॉडिफाई करते हैं तो जितनी भी एक्टिविटी उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं उनको हम टीचिंग कहते हैं। टीचिंग एक एक्टिविटी है जिसके द्वारा हम एक बच्चे को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि वो कुछ सीखे, उसके पास डिज़ायर्ड नॉलेज आए, स्किल हासिल करे और नेचुरली वो अपनी सोसाइटी के अंदर जो है सही ढंग से जी सके। टीचिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू प्रोड्यूस रिलेटिवली परमानेंट चेंज थ्रू आउट इंगेजमेंट इन एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड बाय द टीचर्स। देखो, यहाँ पे जो टीचर्स हैं स्टूडेंट्स को टीच करते हैं, जिसके अंदर वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ बताते हैं ताकि स्टूडेंट के अंदर क्या है कि परमानेंट चेंज आए और जिसके बेसिस पे उसको एक्सपीरियंस के हिसाब से भी टीच किया जाता है। तो टीचिंग एक प्लान एक्टिविटी है और इफ़ेक्टिव टीचिंग जो है वो डिपेंड करती है दो चीज़ों के ऊपर। देखो, यहाँ पे टीचिंग जब हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट को हम सिखाते हैं, तो उसके अंदर हमें पहले जो है स्टूडेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको स्टडी करना पड़ता है। हाउ क्लियरली द स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न। तो यहाँ पे हमने देखना है कि जब टीचर टीच करता है तो जो टीचर टीच करता है स्टूडेंट उसको कितनी क्लैरिटी के साथ जो है उसको समझ में आता है कि ये जो टीचर मुझे सिखा रहा है तो उसको समझ सकता है और उसको पता है कि मैंने क्या सीखना है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो टीचर जो है टीचिंग जो स्टूडेंट को सिखाता है वो कितनी इफ़ेक्टिवनेस के साथ जो है उसको उसी मैनर के अंदर जो है सीखता है। तो टीचिंग जो है एक प्लान्ड एक्टिविटी है और इफ़ेक्टिव टीचिंग जो होती है कि जब हम स्टूडेंट को जो सिखाते हैं स्टूडेंट को पता है कि ये वो लर्न कर रहा है और यहाँ पर हम उसकी लर्निंग कितना उसने जो टीचर ने उसको बताया है वो कितना उसने सीखा है उसको हम मेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो एप्टीट्यूड जो है नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग। तो यहाँ पे कुछ भी करने की हमारे में नेचुरल एबिलिटी क्या है, पहले भी मैंने बताया था कि जो एप्टीट्यूड है ये एटीट्यूड से डिफरेंट है। एप्टीट्यूड का अर्थ होता है कि अगर हम टीचर हैं तो टीचर एप्टीट्यूड का अर्थ होता है कि हम टीचर बनने के काबिल हैं, हमारे में टीचिंग करने की एबिलिटी है। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है डैट इज़ दी नेचुरल एबिलिटी टू टीच के बारे में पढ़ाने की क्षमता है।
इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ द स्टूडेंट टीचर रिलेशन, क्योंकि नेचुरली यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर क्या है कि उसको टीच किया जाता है। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है एवेलुएटिंग के बारे में भी है, जिस कैंडिडेट को हम टीच कर रहे हैं उसके एवेलुएशन करते हैं। और देखो यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर हम ये भी देखते हैं कि जो व्यक्ति टीचिंग प्रोफेशन के अंदर जाना चाहता है, क्या उसके पास उसकी नॉलेज और स्किल है जिसके बेसिस पे वो टीचिंग प्रोफेशन के साथ जस्टिस कर सकता है। तो टीचर बनने के लिए क्या क्या बेसिक क्वालिटीज रिक्वायर्ड है, क्या क्वालिफिकेशन है, उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, एटीट्यूड क्या है, और उसी तरह और भी बहुत कुछ चाहिए होता है टीचर्स बनने के लिए। तो जो एक सक्सेसफुल टीचर है उसके पास क्या ये एप्टीट्यूड है, क्या उसके पास स्किल्स है रिक्वायर्ड जो उसको इफेक्टिव टीचर जो है बनाती हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर दी वेरियस टीचिंग मॉडल्स, ये काफ़ी सारे लोगों ने इसको डिफाइन किया है, जॉइस एंड वेल ने डिफाइन किया है 72 के अंदर। Teaching models are the just instructional design. They describe the process of specifying and producing particularly environmental situation which cause the student to interact in such a way that specific changes occur in the behavior. तो यहाँ पे जॉइस एंड वेल ने कहा है कि जो टीचिंग मॉडल्स हैं ये किस तरह से हम स्टूडेंट को जो है टीच करते हैं, किस तरह से उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, किस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर जो है हम उनको पढ़ाते हैं। जॉइस एंड वेल की जो सेकंड डेफिनेशन है डैट इज़ इन द 78, ए मॉडल ऑफ टीचिंग कंसिस्ट ऑफ द गाइडलाइंस फॉर डिजाइनिंग द एजुकेशनल एक्टिविटीज एंड द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे टीचिंग मॉडल्स के अंदर क्या है कि किस तरह से हम क्या क्या एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, किस तरह का सुटेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए, तो ये हमें टीचिंग किस तरह से करनी चाहिए और यहाँ पे हमने क्या गोल्स अचीव करना है। और उसी तरह पॉल डी एजन के मुताबिक मॉडल आर सी प्रिस्क्रिप्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजी डिज़ाइन टू अकम्पलिश द पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शनल गोल। तो यहाँ पे जो टीचिंग मॉडल्स हैं ये हमें डिस्क्राइब करते हैं कि ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करके हम ये स्पेसिफाइड गोल जो है अचीव कर सकते हैं। जंगीरा एंड अदर जो है वो डिफाइन करते हैं, मॉडल ऑफ टीचिंग इज़ ए सेट ऑफ इंटरलेटेड कंपोनेंट अरेंज इन ए सीक्वेंस। तो यहाँ पे जब हम टीचिंग करते हैं तो उसके अंदर वेरियस कंपोनेंट होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि हमें इस तरह से टीचिंग करनी चाहिए ताकि हम अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, इस तरह से इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए, इस तरह का सुटेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए, तो उसके अंदर हम इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं ताकि हमारे जो गोल होता है, जो हमने टीचिंग प्रोवाइड करके गोल अचीव करना होता है, उसको हम अचीव कर सकें। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट आर दी बेसिक टीचिंग मॉडल्स। तो दो मॉडल्स हैं, पेडागॉजी मॉडल है जिसको हम एक्ट ऑफ टीचिंग भी कहते हैं, आर्ट ऑफ टीचिंग भी कहते हैं। पेडागॉजी जो है ये टीचर्स के द्वारा जो है अडॉप्ट किया जाता है, जो उनकी एक्शंस को शेप करता है कि हमने किस तरह पढ़ाना है, तो यहाँ पे किस तरह की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जाती है, और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे लर्निंग थ्योरी को अंडरस्टैंड किया जाता है कि किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं उनको लर्निंग प्रोवाइड की जा सकती है, स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, स्टूडेंट किस बैकग्राउंड से आते हैं, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट क्या है। तो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग होती है जिसके अंदर क्या होता है कि जो लर्नर होता है वो इंस्ट्रक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, इंस्ट्रक्टर जो है क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करता है उसको पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे जो टीचर है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसने क्या पढ़ाना है और किस से स्टूडेंट ने लर्न करना है। तो यहाँ पे जो टीचर और इंस्ट्रक्टर्स होता है वो स्टूडेंट का लर्निंग प्रोसेस जो है एवेल्युएट करता है, उसके बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजी जो है प्लान आउट करता है। और उसी तरह हम देखते हैं एंड्रागोगिकल अडल्ट लर्निंग थ्योरी जिसको मेलकॉम स्टीफर्ड नॉलेज ने दिया है। तो यहाँ पे इसको हम अडल्ट लर्निंग की भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो अडल्ट्स होते हैं क्योंकि वो बच्चों से डिफरेंट होते हैं तो जो उनका लर्निंग का मेथड्स होता है वो डिफरेंट होता है। तो एडल्ट जो होते हैं सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं क्योंकि वो खुद भी लर्न कर सकते हैं, इंटरनली मोटिवेशन होती है और उनके अंदर रेडी टू लर्न जो है सीखने की चाह भी होती है। तो इसके अंदर 5 अजम्पशंस होती हैं। एक तो क्या है कि देखो जो अडल्ट होते हैं वो मैच्योर स्टेज में होते हैं, उनको पता होता है कि हमने क्या सीखना है और क्या सीखना चाहते हैं, उसके पीछे क्या इम्प्लिकेशन है, उनको क्लैरिटी होती है तो वो खुद ही पार्ट लेते हैं अपनी लर्निंग के अंदर, खुद ही इन्वॉल्व होते हैं। पास्ट लर्निंग एग्जाम्पल के अंदर क्या होता है कि उनका क्योंकि वो मैच्योर होते हैं तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है जिसके बेसिस पे क्या होता है कि वो
हाँ, जो पास के अंदर जो उन्होंने उनका एक्सपीरियंस होता है उससे भी काफ़ी कुछ लर्न करते हैं, और उनके अंदर रेडीनेस टू लर्न जो है चाह होती है कि हमने और सीखना है, क्योंकि उनको इम्प्लीकेशंस पता है, और उसी तरह प्रैक्टिकल रीज़न टू लर्न। तो वो यहाँ पे एजुकेशन इस तरह की चाहते हैं कि जिनको वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकें, जो उनकी रियलिटी के अंदर जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो उस तरह की एजुकेशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो लुकिंग फॉर दी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच टू लर्निंग, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटर्ड अप्रोच का मतलब है कि फोकस उनका ये होता है कि हमने इस तरह की लर्निंग हासिल करनी है जिसके बेसिस पे जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम फेस होते हैं उनको हम रिमूव कर सकें। तो ज़्यादातर जो अडल्ट होते हैं वो अपने आप को जो स्पेसिफिक उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए ये जो है लर्निंग करते हैं, ताकि उन प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सकें। और यहाँ पे वो खुद ही मोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि वो मैच्योर होते हैं, उनको पता होता है कि लर्निंग का ये बेनिफिट है, लर्निंग के ये इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो उनके अंदर से मोटिवेशन आती है। और उसी तरह ही देखते हैं कि जो एंड्रोगॉगी है इसके ये चार प्रिंसिपल हैं। तो कुछ जो अडल्ट्स होते हैं ये सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। सेल्फ डायरेक्टेड का मतलब होता है कि जैसे बच्चों को तो हमें खींच खींच के लाना पड़ता है रिवॉर्ड और पनिशमेंट के द्वारा, मतलब पढ़ाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे अडल्ट जो होते हैं उनके अंदर खुद ही लर्निंग की चाह होती है, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं कि हमने सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, और उनका किस तरह का कंटेंट चाहिए, किस तरह की लर्निंग चाहिए, उनका उसमें से होता है। यहाँ पे अडल्ट जो होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो नेचुरली यहाँ पे होता है कि जो हमने पास्ट में सीखा है उसके बेसिस पे और क्या वो फ्यूचर के अंदर अपनी वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं ताकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अडल्ट जो होते हैं प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। कंटेंट जो होता है जो उनकी वर्क लाइफ या पर्सनल लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है, तो यहाँ पे मेमोराइजिंग के ऊपर नहीं होता, यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, एडिशनल लर्निंग होती है जिसको प्रैक्टिकली जो है यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द टीचिंग मॉडल। तो यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ पैटर्न और प्लान्स दे आर प्रिपेयर्ड इन एडवांस फॉर द सक्सेस ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पे जो लर्निंग प्रोवाइड की जाती है, तो टीचिंग के अंदर जो है पहले से एडवांस में स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं कि हमने इस तरीके से यह सिखाना है। तो यहाँ पे ये जनरल टीचिंग टेक्निक से डिफरेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या गोल्स को मीटअप करने के लिए हम अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। तो ये स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं जिसके अंदर हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं, और किस तरह से क्या होता है कि स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, और वहाँ पे प्रॉपर लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे प्रॉपर टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट होता है, और यहाँ पे हमें पता होता है कि इस तरह के बिहेवियर के अंदर अगर इस तरह की टीचिंग दी जाएगी तो उसका ये रिजल्ट होएगा, तो किस तरह के लोगों के बिहेवियर के अंदर ये चेंजेस आ सकती हैं। तो यहाँ पे जो प्रोसीजर होता है स्टेप बाय स्टेप होता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि गोल्स को हमने किस तरह अचीव करना है। तो ये टीचिंग मॉडल के जो है फीचर्स हैं, जिसके एडवांस के अंदर क्या है स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, क्या स्पेसिफिक गोल्स हैं, किस तरह के आउटकम हैं, वो टीचिंग मॉडल के अंदर जो है डिटर्मिन किए जाते हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द टीचिंग मॉडल। तो ये देखो तीन तरह के इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक तो होता है डिज़ाइन करना, स्पेसिफाई करना इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या है। तो टीचिंग मॉडल के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या जो हम टीचिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है, उससे हम क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, तो हमें किस तरह के जो मटेरियल है, किस तरह के इंस्ट्रक्शंस जो है देनी है। और उसी तरह यहाँ पे डेवलपिंग एंड सिलेक्टिंग, क्योंकि पहले हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि जो हमने टीच करना है उसके पीछे लॉजिक क्या है, तो किस तरह का मटेरियल चाहिए और किस तरह की हमने उसके अंदर एक्टिविटीज़ करानी है ताकि जो हमने सोचा है उस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें। उसी तरह ही हम देखते हैं कि देखो यहाँ पे टीचिंग मॉडल के अंदर क्या है कि हमारा मेन चीज़ क्या है, किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करनी है, किस तरह के लोगों के रिएक्शन हमने नोट डाउन करने हैं, नेचुरली यहाँ पे किस तरह से लोगों को जो है इंगेज करना है, किस तरह की जो सिस्टम के अंदर हमने टीचिंग प्रोवाइड करनी है, एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से यूज़ होना है, और जो टीचिंग हम सिखा रहे हैं इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो ये फंडामेंटल एलिमेंट है टीचिंग मॉडल के। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ दी टीचिंग मॉडल्स। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को ब्रीफली कवर कर रही हूँ। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, तो इसके अंदर क्या है कि इन्वायरमेंट से जो हमें चीज़ें सीखने को मिलती हैं
उनको लोग जो है किस तरह से ग्रहण करते हैं, उस डाटे को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरह से उसके अंदर एनालिटिकल अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, किस तरह से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उसके बेसिस पे हम कंसेप्ट और सॉल्यूशन जो होती है डेवलप करते हैं, और किस तरह से हम वर्बल एंड नॉन वर्बल जो है मेथड यूज़ करते हैं। सोशल इंट्रैक्शन मॉडल्स के अंदर क्या होता है कि जो हमारा कि जो नेचुरली हम सोसाइटी में रहते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, तो किस तरह से हमने सोशल गोल्स को अचीव करना है। पर्सनल डिवेलपमेंट मॉडल्स के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारे हम अपने आप को किस तरह से पर्सनली डिवेलप करना चाहते हैं, और यहाँ पे रियलाइजेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शनल गोल बिलोंगिंग टू द इफेक्टिव डिमोन। इफेक्टिव डिमोन जो होता है हमारा, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं तो नेचुरली वहाँ पे हम गुस्सा भी करते हैं, खुश भी होते हैं, ब्लेस भी फील करते हैं, तो ये इमोशंस को किस तरह से मैनेज करके हम अपनी पर्सनैलिटी को डिवेलप कर सकते हैं। और यहाँ पे बिहेवियरल मॉडिफिकेशन के अंदर हम अपने बिहेवियर के अंदर क्या चेंजेस जो है लाना चाहते हैं। तो ये इस तरह के चार मॉडल्स हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द नेचर और द फीचर्स ऑफ द टीचिंग। देखो, जो टीचिंग है ये एक इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो टीचर है जिसने टीच करना है तो उसको जो है प्रॉपरली देखो सीखना पड़ता है, उसको पढ़ना भी पड़ता है, उसको अपने नोट्स भी तैयार करने पड़ते हैं, एक इन्वायरमेंट भी क्रिएट करना पड़ता है। तो डैट इन्वॉल्व्स ए सुटेबल प्लान ऑफ एक्शन टू कैरी आउट टीचिंग बाय क्रिएटिंग ए कंड्यूसिव एंड सपोर्टिव लर्निंग एन्वायरमेंट टू अचीव द प्री स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, जो टीचिंग है ये आर्ट भी है, उसके साथ साथ साइंस भी है। तो टीचर जो है, अगर उसे टीचर बनना है तो नेचुरली वो प्रॉपरली ट्रेंड होना चाहिए। साइंस इस हिसाब से है क्योंकि टीचिंग जो होती है उसको हम सिस्टमैटिक मैनर के अंदर जो है सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। और यहाँ पे देखो, जो टीचिंग है, जो रॉ मटेरियल है उसको हम डेफिनेट एंड के अंदर जो है ट्रांसफ़र करते हैं। देखो, जो लर्नर्स होते हैं जिनको हम विद्या प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो है वो रॉ मटेरियल होता है जब आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको किस तरह से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि वो इन्वायरमेंट के लिए सुटेबल जो है आउटपुट क्रिएट हो। और उसी तरह बेसिकली परफॉर्म ए सोशल सर्विस। देखो, जो टीचिंग है ये एक नोबल प्रोफेशन है, इसके अंदर क्या होता है कि जब हम लोगों को पढ़ाते हैं तो उसके अंदर उनको अच्छे सिटीज़न बनाते हैं, सोसाइटी के अंदर किस तरह से रहते हैं, तो ये एक तरह से सोशल सर्विस भी जो है प्रोवाइड करते हैं। और उसी तरह एजुकेशनली कम्युनिकेबल टेक्निक। देखो, टीचिंग जो है एक साइंस है। साइंस का अर्थ होता है कि यहाँ पे जो टीचिंग मेथडोलॉजी है वो सिस्टमेटिक है, उसके अंदर हमें सर्टेन स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि ये चीज़ें जो है हम आसानी के साथ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उसी तरह देखो, यहाँ पे इट टेंड्स टूवर्ड्स दी सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो टीचिंग एक्टिविटीज़ के अंदर होते हैं कि किस तरह से हमने अपने प्रोफेशन की ग्रोथ करनी है, किस तरह से हमने इसको डिवेलप करना है। और यहाँ पे जो टीचिंग है, देखो, ये एक लेंथी पीरियड है टीचर बनने के लिए। पहले खुद को स्टडी करनी पड़ती है, फिर कई एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे साल लग जाते हैं मास्टरी करने के लिए। और यहाँ पे देखो, कोई इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए कि किस तरह की आप टीचिंग करना चाहते हो, तो उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे जो टीचिंग है डैट इज़ बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। टीचिंग जो है एक प्रोफेशन है, क्योंकि इसके अंदर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ और ह्यूमन लाइफ से आती है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि कॉमन कोड ऑफ एथिक्स है जो के टीचर्स का बिहेवियर इस तरह का होना चाहिए, इस तरह का उनका कंडक्ट इंस्टीट्यूशन के अंदर और बाहर होना चाहिए। तो कोड ऑफ प्रोफेशनल जो एथिक्स होता है, जो उसकी राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में बताता है, किस तरह से उसकी प्रोफेशनल जो फ्रीडम है उसको प्रोटेक्ट करता है। और देखो, लर्निंग जो होती है ये कॉन्टिन्यूस होती है, टीचर जो होता है हमेशा लर्न करता रहता है, क्योंकि जो टीचिंग है वो डायनामिक इन्वायरमेंट के अंदर होती है। जो जिस इन्वायरमेंट में हम टीच करते हैं वो चेंज होता रहता है। अब देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ द टीचिंग। मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है डैट इज़ द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। तो हार्परेट जो है डैट इज़ द मेन कंट्रीब्यूटर ऑफ द मेमोरी लेवल ऑफ द टीचिंग। तो ये फर्स्ट लेवल है, इसको हम थॉटलेस टीचिंग भी कह देते हैं, लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग भी कह देते हैं। देखो, ये छोटी क्लासेस के अंदर यूज़ किया जाता है। यहाँ पे होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं कंसेप्ट्स को छोटे होते हैं तो जल्दी समझ नहीं पाते, तो उनको कहा जाता है कि क्रैम करो, फैक्ट्स को मेमोराइज कर लेते हैं। और ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स होता है कि स्टिमुलस दिया जाता है जिसके बेसिस पे
वो सीखते हैं। तो यहाँ पे लर्नर जो होता है उसको फोकस किया जाता है कि उसके अंदर रिटेंशन जो उसने याद किया है वो मेमोरी उसकी स्ट्रॉन्ग बनी रहे, ताकि जब वो रिप्रोड्यूस भी कर सकता है, पहले वो लर्न करता है फिर उसको दोबारा से सुनाता है, मतलब प्रोड्यूस कर सकता है। और यहाँ पे इवैल्यूएशन सिस्टम होता है जिसके अंदर और मुझबानी भी टेस्ट लिए जा सकते हैं, रिटन भी ऐसे टाइप एग्जामिनेशन भी होते हैं। गुड मेमोरी के अंदर क्या होता है कि नेचुरली वो लर्निंग कितनी क्विक है, रिटेंशन कितनी है, रिकॉलिंग कितनी है, और डिज़ायरेबल कंटेंट जैसे सिखाया गया वो कितना उतना रिकॉल कर सकता है। सेकेंड जो लेवल है डैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द टीचिंग। तो ये मॉरिसन जो है डैट इज़ द मेन कंट्रीब्यूटर, मेमोरी प्लस इनसाइट। देखो यहाँ पे जो प्रीवियस अप्रोच थी उसके अंदर रट्टा लगाते थे हम, क्रैम करते थे, चीज़ों को समझते नहीं थे। तो यहाँ पे क्या है कि चीज़ों को समझो भी और उसको क्रैम भी करो। तो ये मेमोराइजेशन के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे है कि सब्जेक्ट की मास्टरी भी करो, उसको अंडरस्टैंड भी करो। तो यहाँ पे स्टूडेंट को सिखाया जाता है कि भाई कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लो, उसके बेसिस पे देखो क्या प्रिंसिपल्स बनते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है अपना इंटेलेक्चुअल बिहेवियर जो है डेवलप कर सकता है, और यहाँ पे स्टूडेंट का जो है और टीचर्स का एक्टिव रोल होता है। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप और ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं। और इसी तरह जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है, तो इसके जो मेन कंट्रीब्यूटर है डैट इज़ दी हंट। तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होती है, इसके अंदर दोनों चीज़ें आ जाती हैं, मेमोरी भी आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है। तो यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो है मेथडोलॉजी है, यहाँ पे स्टूडेंट जो होते हैं रिसर्च अप्रोच जो है अडॉप्ट करते हैं ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे क्लासरूम इन्वायरमेंट जो होता है ऑपरेटिव भी होता है, इंडिपेंडेंट भी होता है। तो यहाँ पे जो लर्नर है कि किस तरह की ये प्रॉब्लम्स हैं उसको रीजनिंग के द्वारा, लॉजिक के द्वारा, क्रिएटिविटी के बेसिस पे उसको सॉल्व कर सकता है, उसके बेसिस पे रिसर्च करता है। और जो स्टूडेंट है उसका प्राइमरी रोल होता है और टीचर का सेकेंडरी रोल होता है। तो यहाँ पे ऐसे टाइप जो है यूज़ किया जाता है एवेल्युएशन के लिए। तो यहाँ पे उसका एटीट्यूड क्या है, बिलीव क्या है, इन्वॉल्वमेंट है, ये सारी चीज़ों को जो है स्टडी किया जाता है।